नमस्कार साथियों, कई बार आप सफलता के मार्ग पर चल तो पड़ते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि ऐसे कौन कौन से गुण हमारे अंदर होना चाहिए जिसके होने से हमारी जिंदगी सफलता से भर जाएगी। तो ध्यान से सुनिए और समझिए ऐसे गुणों को जो आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला है, कम बोलिए और अधिक सुनिए। एक सफल व्यक्ति की ये खूबी या खासियत होती है कि वो हमेशा कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू देखेंगे या फिर उसे मिलेंगे तो आप गौर करेंगे कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, वो बहुत ही कम बोलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं। जबकि इसका विपरीत होता है असफल व्यक्ति के गुणों वाले लोगों के साथ। वो किसी को भी नहीं बोलने देते हैं, सिर्फ खुद की ही चलाते हैं और किसी को भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी बातों को रखने के लिए हर व्यक्ति की बात को दबाने की कोशिश करते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति का गुण होता है कि वो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। दूसरा है, अपने विरुद्ध जाने वाली बातों के लिए सतर्क रहें। जब भी कोई इंसान या कोई टीम आपके विरोध में कोई बातें कर रही है तो उसके लिए पूरी तरीके से सतर्क रहें, उन बातों को ध्यान से सुने। अब उसमें दो प्रकार की चीजें हो सकती है। एक तो वो आपके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी गलतियों को बता रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको सतर्कता से उन्हें सुनना चाहिए और यदि आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि वो बातें आपके विरोध में सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको नीचा गिराने के लिए की जा रही है तो उनका आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा है, केवल अपने आप पर निर्भर रहें। इसका मतलब है बी सेल्फ डिपेंडेंट। कई लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर भरोसा करके, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके बहुत सारी चीजें करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जब तक आप खुद पर निर्भर नहीं होंगे जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। माँ बाप को छोड़कर कोई भी इंसान आपकी मदद तब तक करेगा जब तक उस काम में उस व्यक्ति का फायदा है। जिस दिन उस व्यक्ति का फायदा उस काम से हट जाएगा वो आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ही निर्भर रहना चाहिए। चौथा है, दूर की सोच रखना। हमेशा याद रखना, किसी भी काम को करने से पहले आपको भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उस काम का भविष्य, आपका भविष्य, हर उस चीज का भविष्य जो आपके और आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। कई बार व्यक्ति अपनी छोटी और हल्की सोच के कारण सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का फायदा देखता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे भविष्य में इस चीज का क्या फायदा या नुकसान होगा। कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि अरे आज की देखो, कल जो होगा देखा जाएगा। ये वही लोग हैं जो छोटी सोच के हैं या जो सीमित समय के लिए किसी भी काम के बारे में सोचते हैं और भविष्य के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। पांचवा है, सुधार के लिए हमेशा सलाह ले। आज की जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया है। हर इंसान को लगता है कि मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है और इसी चक्कर में वो किसी से भी ज्ञान लेना नहीं चाहता है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बात हमारे सुधार की आए, हमारे लक्ष्य को पूरा करने की आए, तो उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं, यदि वो कहीं से भी मिल रही है, चाहे वो एक बच्चे से सीखने को मिल रही है, चाहे हमारे दादाजी या किसी बूढ़े व्यक्ति से सीखने को मिल रही है, तो आपको कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। छठवां है, हमेशा अपनी कोशिश को कामयाबी में बदले। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश तो बहुत करते हैं, बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी हार के चक्कर में वो अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि आज मैं हार गया तो शायद कल भी हार जाऊंगा और इस काम को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस बात को समझना है कि यदि आपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बना लिया है तो जब तक आप उसे हासिल ना कर लें उस लक्ष्य से कभी भी आपका पांव पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए अपनी मेहनत को पूरा करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से आप हार गए हैं। आप ऐसे लोगों की गिनती में कभी मत आना जो हमेशा कहते हैं कि यार मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो सफलता के मार्ग में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन छोटी मोटी हार मिलने के कारण ये अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और सातवां है, सलाह और उपदेश बिना मांगे कभी ना दे। कई लोगों की आदत होती है कि बिना मांगे किसी इंसान को सलाह देते रहते हैं, अपने ज्ञान को उन पर थोपते रहते हैं। जबकि एक सफल इंसान की पहचान होती है कि वो किसी भी इंसान को बिना मांगे सलाह या उपदेश कभी नहीं देते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनके पास इतना समय नहीं होता है और दूसरी बात यदि होता भी है तो जब तक आप उनसे उस सलाह के बारे में नहीं पूछेंगे वो कभी भी आपको राय या ज्ञान नहीं देंगे। क्योंकि जिस इंसान को आपकी सलाह या उपदेश की जरूरत है वो खुद आपके पास आएगा, उसके बाद वो उस उपदेश को जो आप देंगे उसका पर्टिकुलर तरीके से पालन करेगा और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये 7 पॉइंट आप अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे।
हमारी इस पृथ्वी पर कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ऊंचे मुकाम हासिल किए। यदि आप जानना चाहते हैं कि उनकी इंटरेस्टिंग कहानी या स्टोरी क्या थी, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो अपनी जिंदगी में सफल हुए, तो खबरी पर मैं ऐसे ही महान पुरुषों की महागाथा लेकर आया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर सुनिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ MD मोटिवेशन।